हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से हमने दो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया था। स्पीड ऑफ द इफ्लक्स, टोरिसिली लॉ के बारे में हमने देख लिया था और वेंचुरी मीटर के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में क्या होगा, हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे पूरा डिराइव किया है स्पीड ऑफ द इफ्लक्स को और वेंचुरी मीटर का भी हमने पूरा डेरिवेशन देखा है, साथ में उनके रियल लाइव एप्लीकेशंस और फोटोज के साथ। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑटोमाइजर और स्प्रेयर, जिसमें भी क्या रहता है, हमारा बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक में, ऑटोमाइजर और स्प्रेयर। तो ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, इसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑटोमाइजर और स्प्रेयर। स्प्रेयर तो आप जनरली देखे ही होंगे, बहुत सारी दुकानों में, सैलून में देखे होंगे, जो आपके ऊपर वो क्या करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं। वो सारी चीज क्या होती है, स्प्रेयर होती है। जहां हम गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, वो सब चीज क्या होती है, स्प्रेयर होती है। वो क्या करता है, वाटर को एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, स्प्रे के फॉर्म में मारता है। ऑटोमाइजर कहाँ काम आता है, गाड़ियों में काम आता है। वो क्या करता है, पेट्रोल को एयर के साथ मिला के एकदम स्प्रे फॉर्म में मारता है। जैसे आप फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियां देखते होंगे, उसमें भी क्या होता होगा, एक प्रकार का वाटर को, फ्यूल को क्या करता है, ऑटोमाइज करता है। मतलब उसको एकदम मॉलिक्यूल्स में तोड़ के एकदम स्प्रे फॉर्म में मारता है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। दोनों का लगभग एक एडवांस चीज है, एक बेसिक चीज है, मगर प्रिंसिपल दोनों का लगभग सेम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दी बर्नौलीज प्रिंसिपल। दोनों किस पे बेस्ड रहते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन ऑटोमाइजर आर शोन इन द फिगर। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, हमारे पास फिगर भी है और जितने भी एसेंशियल पार्ट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है, हमारी फिगर, एक प्रकार के स्प्रेयर और ऑटोमाइजर को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्प्रेयर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एक पाइप सेक्शन है ऊपर वाला, ठीक है, नीचे में एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में ब्लू रंग का क्या है, हमारा लिक्विड, यहाँ हम बोलते हैं वाटर, भरे रहता है। ठीक है, इसमें क्या डाला रहता है, ऐसा एक पाइप डाले रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, एक बलून टाइप का रहता है। बहुत सारा तरीका रहता है, यहाँ पे ऐसे करने वाला आप एक हैंडल वाला भी दिखे होंगे, वो पिस्टन का ऑपरेशन रहता है, बट दोनों का वर्क यहाँ पे सेम रहता है। जब आप यहाँ पे इसको पुश करेंगे ना बलून को, तो क्या होगा, यहाँ की हवा पूरी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, जो P2 प्रेशर है वो एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हवा बाहर हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। और ये जो हिस्सा रहता है, ये हिस्सा क्या रहता है, ओपन रहता है एटमॉस्फेयर से, मतलब यहाँ से एटमॉस्फेरिक हवा आ सकती है अंदर इस हिस्से में। तो यहाँ पे प्रेशर पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, दबाव डालेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो वाटर क्या होगा, इसके में चढ़ने लग जाएगा यहाँ। ठीक है, और चढ़ के वो क्या निकलेगा, स्प्रे के फॉर्म में निकलने लग जाएगा। यहाँ पे जैसे हम इसको दो तीन बार ऐसे करते हैं, या हम पिस्टन से ऐसे करते हैं, जो आप ऐसे देखे होंगे फुसफुस वाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे स्पीड बढ़ाते रहेगा। तो उसके कारण क्या होता है, हाई स्पीड के कारण वो क्या होगा, और मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और स्प्रे बन के आएगा। तो इसी चीज को हम देखेंगे। ओके, तो चलिए थ्योरिटिकल वे में पूरा देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट, द फॉरवर्ड स्ट्रोक of the piston produces a stream of air past the end of the tube. Forward stroke of the piston की बात करें, या हमने जो यहाँ पे एक रबर बलून लगा के रखा है उसको भी हम पुश करेंगे, तो वो क्या होगा, एक प्रकार का फॉरवर्ड स्ट्रोक देगा हवा का। किसी किसी में बलून ना लग के आप देखे होंगे हैंडल वाला रहता है, तो वो भी क्या करता है, एक प्रकार से पुश करता है उस पाइप में। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे तो हम, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक प्रकार का पुश का इफेक्ट देगा। पिस्टन रहा तो भी, बलून रहा तो भी, वो क्या करेगा, एयर को पुश करेगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एयर फ्लोइंग पास्ट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लिक्विड। तो जो एयर वहां से, जैसे हम पुश करते हैं ऊपर वाले पाइप से, एयर निकल जाएगी तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट हो गया इसका मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर, या हम बोले वहां का प्रेशर एकदम कम हो जाता है। ठीक है, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड फोर्सेस द लिक्विड इनटू द ट्यूब डी। तो जैसे ही हम यहां पे इसको स्प्रे कर दिए, यहां की हवा बाहर निकल गई, यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गई, तो यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हल्का सा ओपन रहता है, यहां से एयर जा सकती है अंदर, तो यहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो ऐसे दबाव डालेगा इसके ऊपर, तो ये लिक्विड क्या होगा, डी ट्यूब के ऊपर क्या होने लग जाएगा, चढ़ने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एज अ रिजल्ट
लिक्विड राइजेज अप इन द वर्टिकल ट्यूब डी, जो वर्टिकल ट्यूब है डी उसी का नाम है, उसमें राइज करेगा. व्हेन इट कोलाइड्स विद द हाई स्पीड एयर इन द ट्यूब बी इट ब्रेक्स अप एंड स्प्लिट इनटू फाइन स्प्रे. और जब क्या होगा, यहां पे हम बार बार एक्शन करते रहते हैं तो उसके कारण क्या होगा, जैसे ही एक बार आ गया तो वो स्पीड से जाएगा बार बार, और जैसे ही वो स्पीड से जाएगा और हाई स्पीड यहां पे एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एकदम स्प्रे के फॉर्म में. तो यही रहता है. बाकी इसके पार्ट्स क्या है, जो ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्टर्म, लिक्विड कंटेनर और रबर बलून. बाकी पार्ट्स तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहे होंगे क्या होगा. तो ये क्या है, हमारा बलून का एप्लीकेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह पे प्रेशर कम हो रहा है, एक जगह पे प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, वेलोसिटी भी उस कारण वेरी कर रही है. तो बर्नौली इक्वेशन लग सकती है यहाँ पे, बिल्कुल लग सकती है. तो ये भी क्या है, एक उसका एप्लीकेशन है कि एक जगह का हम प्रेशर कम कर दिए तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिलने लग जाएगी, हमें वाटर फ्लो होने लग जाएगा बाहर की तरफ. ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा सेकेंड एप्लीकेशन बर्ड ब्लड फ्लो और हार्ट अटैक के बारे में, कि यहां पे हम कैसे अपना बर्नौली इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक के बारे में. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. कंसीडर ए केस, हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं वेयर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक. जहां पे एक पर्सन को क्या होता है, जो पर्सन है वो सफर कर रहा है हार्ट अटैक से. कैसे, हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स हूज आर्टरी, आर्टरी क्या रहती है, हमारी जो लॉन्ग मतलब जो बिग वेसल रहती है जिससे क्या होता है पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, हार्ट से वो कनेक्टेड रहती है. द आर्टरीज गेट कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ प्लेग ऑन इट्स इनर वॉल. अब इसमें क्या होता है, जो हार्ट से जो पाइपलाइंस निकलती जिनको हम आर्टरी बोलते हैं, वो क्या होती है उसके अंदर क्या बोल रहा है, कंस्ट्रिक्टेड हो जा रही. कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. अब ये ब्लॉक कैसे होता है, कुछ प्रोटीन से होता है, जैसे हम कैल्शियम बोले, कार्बोहाइड्रेट्स बोले, ये सब चीज की मदद से क्या होता है, वहां पे आर्टरीज क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है. तो जब अब ब्लड से, हार्ट से जब ब्लड निकलेगा और वो आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, तो वो ब्लड वहां जाके प्रेशर बनाएगा, उसको खोलने की कोशिश करेगा, वो जो ब्लॉकेज है वहां पे, क्योंकि हार्ट तो एक प्रकार का पंप जैसा काम करता है, वो ब्लड को क्या करेगा, जो कंस्ट्रिक्ट हो गया है, जो ब्लॉक हो गया है, उस पर प्रेशर लगाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोलते हैं, जो जम जाता है आर्टरीज के अंदर. ठीक है, जल्दी कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल से जमता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो ज्यादा मतलब ठीक है नहीं बोलना चाहिए, मगर जो ज्यादा मतलब जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज्यादा रहता है उनको ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी बिकम्स लो एंड द आर्टरी में कोलैप्स ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर. अब यहां पे किसी को डाउट हो सकता है कि जब हार्ट उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वो जो कंस्ट्रिक्ट है उसको ओपन करने के लिए, तो प्रेशर लो कैसे हो जा रहा है. ये प्रेशर कहां का रहता है, जो पोर्शन ब्लॉक हो गया है उसके अंदर तक तो ब्लड आ रहा है, ब्लॉक होने के बाद का जो पोर्शन है, जो पोर्शन खाली है, वो खाली पोर्शन में क्या हो जाता है, प्रेशर कम रहता है, और ब्लॉक के पहले प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है. तो यहां पे जब प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होगा, बाहर की जितनी भी चीजें वो क्या करेगी, उसको बंद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बाहर में जो भी बॉडी का प्रेशर है वो क्या करेगा, उसको क्लोज करने की कोशिश करेगा. ऑब्वियसली बात है, प्रेशर डिफरेंस हो जा रहा है वहां पे, ब्लॉक के पहले प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रहा है हार्ट, ब्लॉक के बाद क्या हो रहा है, प्रेशर एकदम कम हो गया है, क्योंकि वो एक प्रकार का सक्शन भी तो क्रिएट होगा, क्योंकि अंदर में और एयर तो रहती नहीं है. ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जो प्रेशर इनसाइड द आर्टरी बिकम्स लो, तो ये कहां पे है, ब्लॉक के आगे वाला पोर्शन है. ब्लॉक के पहले तो हार्ट प्रेशर लगा रहा है उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए, बट ब्लॉक के बाद जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड आर्टरी में कोलैप्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर मतलब आर्टरी का जो बाहर का प्रेशर होगा उसके कारण आर्टरी क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज फर्दर इंक्रीज. ऐसे केस में क्या होता है, जो दिल की एक्टिविटी है वो और इंक्रीज हो जाती है, ताकि उसको ब्लॉकेज खोल के ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या करना है, पंप करना है. ठीक है, इन ऑर्डर टू फोर्स द ब्लड थ्रू दैट आर्टरी. और किस लिए हार्ट की एक्टिविटी तेज हो जाती है, ताकि वो ब्लॉकेज को तोड़े और हार्ट को वो मतलब ब्लड को क्या करे, वो ट्रांसफर कर पाए उस ब्लॉकेज को तोड़ के. ठीक है, एज द ब्लड रशेस थ्रू द आर्टरी. अब जैसे ही ब्लड रश करना चालू करेगा आर्टरी में, द इंटरनल प्रेशर वंस अगेन ड्रॉप्स ड्यू टू द सेम रीजन. अब क्या होगा, पहले ब्लॉक हो गया है,
हार्ट क्या करेगा, जोर लगाएगा, ब्लड को भेजेगा, ठीक है। तो वो जो ब्लॉकेज है, हार्ट क्या करेगा, उस ब्लॉकेज को खोल देगा प्रेशर लगा के। मगर जैसी वो ब्लॉकेज खुलेगा तो यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया रहेगा। जैसी ब्लॉकेज खुलेगा सट से ब्लड फ्लो होना चालू होगा आगे वाले पोर्शन पे। ये जो ब्लॉक हुआ है इसको हार्ट खोल लेता है, ठीक है। मगर जैसी वो खोलता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था यहाँ पे। अब जैसी वो ओपन हुआ ब्लड फिर फ्लो करना चालू करेगा और ये जो प्रेशर ज्यादा हो गया था ये फिर अचानक से ड्रॉप होगा, ठीक है। जैसी ब्लड ब्लॉक को खोल देगा तो क्या होगा, फिर से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि वो इतना सारा एक्यूमुलेट कर लिया था उसको खोलने के लिए प्रेशर, ठीक है। दिस विल लीडिंग टू ए रिपीटेड कोलैप्स। इसी के कारण क्या होता है, हार्ट को भी दिक्कत होती है बार बार प्रेशर में चेंजेस होने के कारण, और इसी कारण क्या होता है, अचानक से फ्लो चालू होता है तो जहां पे लो प्रेशर था वहां पे अचानक से ब्लड फ्लो करेगा तो फिर क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वैस्कुलर फ्लटर। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर फ्लटर बोलते हैं। दिस कैन बी हर्ड ऑन ए स्टेटिस्टोस्कोप, मतलब जो डॉक्टर्स लोग कान में लगा के ऐसे चेक करके सुनते हैं उसमें इस जो ये जो डिसफंक्शन हो रहा है इसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, तो यही हार्ट की अलग अलग एक्टिविटी के कारण उसको अलग अलग प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है, ऐसे में ही हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है जनरली। अब जहां प्रेशर का खेल आ रहा है वहां पर क्या होगा, एक प्रकार का वो बर्नौलीज का एप्लीकेशन ही होगा, ठीक है। मतलब हम वहां पर बर्नौलीज इक्वेशन लगा के पूरी चीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, डायनामिक लिफ्ट। यहां पे भी क्या होता है, प्रेशर और स्पीड का वेरिएशन। डायनामिक लिफ्ट में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो जैसे एयरप्लेन जो रहता है उसको जो लिफ्ट फोर्स मिलती है वो कैसे, और जैसे कोई फुटबॉलर बॉल को किक करता है तो बॉल कैसे स्पिन होके जाती है। जैसे वो बॉल किक करेगा बॉल स्पिन होके जो जाती है आप देखे होंगे कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, वो क्यों करती है उसका हम कारण देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम अपना टॉपिक देख रहे हैं डायनामिक लिफ्ट, कि कैसे डायनामिक लिफ्ट मिलती है। डायनामिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन थ्रू द फ्लूइड। ये फोर्स कैसे एक्ट करती है बॉडी में, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बॉडी कैसा मोशन कर रही है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। और वो बॉडी कहां मूव कर रही है, किसी फ्लूइड में मूव कर रही है। फ्लूइड मतलब हम बोल सकते हैं जैसे बॉल एयर में मूव कर रही है तभी वो स्पिन होती है, कर्व्ड पाथ फॉलो करती है क्योंकि एक फ्लूइड में मूव कर रही है जो क्या है, एयर, ठीक है। बाई वर्च्यू ऑफ इस मोशन, तो ऐसे में उसको डायनामिक लिफ्ट प्रोवाइड मिलती है, जैसे एरोप्लेन को मिलती है डायनामिक लिफ्ट। ओके, देखेंगे पूरा वो वाला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्व्ड पाथ ऑफ ए स्पिनिंग बॉल एंड द लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो डायनामिक लिफ्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो स्पिनिंग बॉल गोल घूमती हुई बॉल कर्व्ड पाथ फॉलो करती है उसका, और दूसरा जो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है, जो एयरक्राफ्ट ग्लाइड करता है उसके लिए क्या रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप देखे होंगे कि बॉल क्यों कर्व्ड पाथ फॉलो करती है, क्योंकि वो स्पिन करते रहती है। अब नॉर्मली जो फुटबॉलर्स रहते हैं वो एकदम परफेक्ट किक मारते हैं, अब नॉर्मली किक मारेंगे एकदम स्ट्रेट पैर से तो आपकी बॉल बिल्कुल कुछ स्विंग नहीं करने वाली, उसके लिए पैर को हल्का सा एंगल में टिल्ट करके एक अलग वाले बोन से हम उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। ऐसा हिट करने के कारण क्या होता है, बॉल में स्पिनिंग मोशन आ जाता है, बॉल रोटेट करते हो जाती है, तो इसी रोटेशन के कारण ही वो क्या करती है, कर्व्ड पाथ फॉलो करती है। अब ये रोटेशन से प्रेशर और वेलोसिटी में कैसे वेरिएशन होता है हम इस चीज को देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहले हम विदाउट स्पिन देखेंगे जब बॉल स्पिन नहीं कर रही है, फिर जब बॉल स्पिन कर रही है उसके बारे में देखेंगे, फिर हम एरोप्लेन्स के बारे में देखेंगे कि कैसे मिलता है, सेम इसी से हमारे उसका भी कंसेप्ट समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। अब जब बॉल बिना स्पिन के मूव कर रही है, ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एयर अबव द बॉल इज सेम एज बिलो द बॉल, जब वेलोसिटी हवा की रफ्तार बॉल के ऊपर और बॉल के नीचे सेम रहेगी एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, मतलब उसके सारे, मतलब आधा उसका सेमी सर्कल और आधा, तो सारे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में ऊपर की वेलोसिटी और बॉल के नीचे की वेलोसिटी जब सेम रहेगी तो रिजल्टिंग इन जीरो प्रेशर डिफरेंस। इस केस में क्या होता है, जब दोनों ऊपर नीचे की वेलोसिटी सेम है तो कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा इसका मतलब वो कर्व्ड पाथ फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, ऐसे टर्न लेते हुए नहीं जाएगी। प्रेशर डिफरेंस होता है तब वो फॉलो करता है, वो भी देखेंगे, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंडेंट रहता है। यदि स्पीड चेंज हुई तो प्रेशर डिफरेंस आएगा बॉल के सर्फेस में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द एयर देयरफॉर एक्सर्ट्स नो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स। जब बॉल स्पिन नहीं कर रही है तब का केस है, जब बॉल स्पिन नहीं कर रही है और नॉर्मली हम उसको फेंक दिए हैं गोल घूमते हुए नहीं जा रही है, तो उस केस में कोई भी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बॉल में नहीं रखती है, जब वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है सीधा जा रही, ठीक है, ऑन द बॉल, तो इस केस में कोई भी लिफ्ट फोर्स जनरेट नहीं होगी जब वो स्पिन नहीं कर रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पिन करेगी तो कैसे जनरेट होगी, पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जब स्पिन नहीं करेगी तो कुछ जनरेट नहीं होगा। ओके,
तो यहां पे हम डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि बॉल क्या कर रही है, सीधा मूव कर रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है। ये बॉल का व्हाइट वाला एरो डायरेक्शन बता रहा है, बॉल स्पिन नहीं कर रही है। तो ये क्या है, पूरी स्ट्रीम लाइन से एयर। ओके, तो यहां से हमें क्या नॉलेज मिलती है कि दोनों तरफ कोई फर्क नहीं है स्ट्रीम लाइन में, दोनों तरफ की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब एयर बॉल उस तरफ जा रही है तो एयर की वेलोसिटी किस तरफ रहेगी, एयर उसको अपोज करेगी, मतलब एयर की वेलोसिटी इस साइड आएगी जो आप एरो देख रहे हैं। ठीक है, बॉल ऐसे मूव कर रही, एयर उसको रेजिस्ट करेगी ऐसे, और ये स्ट्रीम लाइंस है। यहां पे स्ट्रीम लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। हम ये चीज को प्रीवियसली प्रूफ कर चुके हैं और ये चीज बहुत जगह लागू होती है कि जहां पे स्ट्रीम लाइंस पास पास होंगी वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है। मतलब विड्थ, जो दो विड्थ स्ट्रीम लाइंस के बीच की, मैं विड्थ की बात कर रहा हूं, यदि वो कम हुई तो वेलोसिटी ज्यादा, दो स्ट्रीम लाइन के बीच की विड्थ ज्यादा हुई तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में भी प्रूफ करके देखा है प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं जहां पे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे हमने फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू किया था। तो यहां पे स्ट्रीम लाइंस की विड्थ भी सेम है, तीनों स्ट्रीम लाइन की, यहां पे भी तीनों भी स्ट्रीम लाइन की विड्थ क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों जगह की वेलोसिटी सेम है। इस केस में बॉल सीधा ही जाएगी, उसको कोई कर्व्ड पाथ नहीं करेगी, वो बिल्कुल टर्न नहीं होगी कहीं पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉल मूविंग विद स्पिन। अब क्या कर रही है, बॉल स्पिन कर रही है, तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। सिंस द बॉल इज स्पिनिंग, अब क्या कर रही है, बॉल स्पिन कर रही है अपनी जगह में और आगे बढ़ रही है, इट ड्रैग्स सम एयर विथ इट बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ इट सरफेस। अब क्या होगी, जब बॉल यहां पे स्पिन करने लग जाएगी ना, तो वो एक साइड की एयर को क्या करेगी, ऐसे पकड़ के खींचेगी अपने साथ, ऐसे करके क्या करेगी, ड्रैग करने लग जाएगी, और एक साइड की एयर को क्या करने लग जाएगी, रेजिस्ट करने लग जाएगी। यही चीज हम देखेंगे, और इसी के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी के कारण क्या होता है, कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। तो जब बॉल स्पिन करने लग जाएगी तो वो क्या करेगी, उसके रफ सरफेस के कारण एयर को पकड़ के अपने तरफ क्या करेगी, पुश करेगी, एक साइड में वो एयर की स्पीड बढ़ा देगी, एक साइड में वो एयर की स्पीड कम कर देगी। ठीक है, ये जो इफेक्ट है ऐसे बॉल के स्पिन करने वाले इफेक्ट को, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। जब क्या होता है, जब एक बॉडी स्पिन करते हुए किसी फ्लूइड में जब मूव करती है तो उसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। मैग्नस इफेक्ट नाम याद रखिए, मैं आपको अभी समझाऊंगा क्या होता है डायग्राम से। ओके, तो अब हम समझते हैं कि उसके पीछे का ओरिजिनल कारण क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम एक बॉल लेते हैं, ठीक है, तो बॉल का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्या है, हमारी एक बॉल जो क्या कर रही है, फॉरवर्ड मूव कर रही है, साथ ही साथ ये बॉल क्या कर रही है, स्पिन भी कर रही है ऐसा, ठीक है, ऐसा गोल घूम रही है। कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल राउंड कर रही है। ओके, अब यहां पे जरूरी है एयर का फ्लो देखना, तभी हमको पूरी चीज समझ में आएगी। अभी एयर का फ्लो मैं कहां से लेता हूं, अब मैं एयर का फ्लो यहां से ले लेता हूं, मतलब एयर क्या आ रही है, यहां से आ रही है, मतलब ये ऐसे बॉल मूव कर रही है, हवा सामने से इसको क्या कर रही है, ड्रैग दे रही है। ये क्या है, हमारी एयर। ओके, ठीक है, एयर के डायरेक्शन का फ्लो हमने देख लिया। अब क्या होगा, ये बॉल में क्या बनेगी, स्ट्रीम लाइंस बनेगी, क्योंकि वो एयर जा रही है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइंस बनाते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, जब हम ऐसा डायग्राम बना रहे हैं तो पहले हम स्ट्रीम लाइंस को एकदम परफेक्टली नहीं बनाएंगे, पहले हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जहां हमको समझ में आ गया कि वेलोसिटी ज्यादा है वहां स्ट्रीम लाइन को पास पास बना देंगे, जहां हमें पता चल गया वेलोसिटी कम है वहां पे स्ट्रीम लाइन को दूर दूर बना देंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रीम लाइन बनेगी ऐसे, ये एयर ही है जिसको मैंने ग्रीन से शो कर रहा हूं, उसकी स्ट्रीम लाइंस, एक स्ट्रीम लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, और अच्छे से बनाते हैं ताकि वो अच्छे से लगे। ठीक है, ऐसा ही मूव कर रही है, भले मैं ऐसा स्ट्रीम लाइन बना दिया, ये क्या है, स्ट्रीम लाइंस एयर की, जिसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, क्योंकि एयर इस तरफ से फ्लो हो रही है। ओके, अभी मेरे को नहीं पता कि कहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, हम एनालिसिस करते हैं पहले। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे सेक्शन लेंगे। सबसे पहले हमें पता चल गया बॉल ऐसे घूम रही है और सेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं एक सेक्शन ले लूं, ये सेक्शन का मैं नाम ले लेता हूं एक्स एक्स, और यहां पे मैं एक सेक्शन ले लेता हूं, इस सेक्शन का नाम ले लेता हूं मैं वाई वाई। ठीक है, अब मैं जब बॉल को देखूंगा तो बॉल क्या कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है, मतलब ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो जो यहां की हवा रहेगी, जब बॉल ऐसे घूमेगी, यहां की हवा वो क्या करेगी, वो जल्दी जल्दी पीछे की तरफ ढकेलेगी, उसका रफ सरफेस होगा, मतलब यहां की जो हवा होगी वो स्पीड से जाएगी, एकदम ऐसे ही मूव कर रही है, हवा के डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉल। बॉल ऐसे जा रही है तो इधर की हवा को वो क्या करेगी, जल्दी से पीछे की ढकेलेगी, मतलब यहां की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वी एक्स एक्स की जो वेलोसिटी होगी, वी
एक्स एक्स सेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी इसके मुकाबले। क्यों? यहां पे तो बॉल का डायरेक्शन सेम है, यहां पे वो हवा को पुश कर दे रही है पीछे, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जा रही है। यहां पे जब वो ऐसे घूम के आएगी, जब यहां पे घूमेगी तो एयर का डायरेक्शन इस तरफ है और वो ऐसे घूम रही है, एयर इधर जा रही है और वो ऐसे घूम रही है, तो वाई वाई सेक्शन में वो क्या करेगी ना, एयर के डायरेक्शन को रेजिस्ट करेगी। यहां पे तो वो उसके साथ चल रही है, यहां पे उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो वाई वाई सेक्शन में क्या होगी, स्पीड कम होगी। यहां पे स्पीड ज्यादा होगी, यहां पे स्पीड कम होगी, मतलब वी एक्स एक्स की जो स्पीड है सेक्शन की वो ज्यादा होगी किसके मुकाबले, वी वाई वाई के। नीचे में स्पीड ज्यादा, ऊपर में स्पीड कम, ओके बना देते हैं। तो यहां पे वी क्या होगी, रफ्तार यहां पे ज्यादा होगी एयर की, और यहां पे एयर की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, यहां पे ज्यादा होगी, ओके। तो जब यहां पे वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा, हमारा प्रेशर, यहां पे क्या होगा, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जहां पे वेलोसिटी कम रहती है वहां पे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब पी वाई वाई का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किसके, पी एक्स एक्स के प्रेशर के। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ये जो रीजन है एक्स एक्स वाला, ये क्या होगा, एलपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, लो प्रेशर रीजन है ये वाला। यहां पे प्रेशर कम होगा, रफ्तार ज्यादा है तो प्रेशर कम, यहां पे रफ्तार कम है अपोज कर रही तो यहां पे प्रेशर ज्यादा, तो ये वाला जो रीजन है इसको मैं लिखूंगा एचपी, मतलब ये हाई प्रेशर रीजन है। ये लो प्रेशर स्पीड ज्यादा है इसलिए, ये हाई प्रेशर क्योंकि यहां पे स्पीड कम है, तो पी वाई वाई जो सेक्शन पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एक्स एक्स, ठीक है। तो प्रेशर कहां ज्यादा है, वाई वाई में ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे जब प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर कम हो गया तो ये प्रेशर इसको ढकेलेगा, इसलिए बॉल क्या करेगी ना, कर्व मूव करेगी। और यहां से मैं देख सकता हूं कि कैसा कर्व मूव करते हो जाएगी, बताऊं, बॉल ऐसा ऐसा टेढ़ा मूव करते हो जाएगी बॉल, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है वो उसको दबाएगा, तो जब ये बॉल गोल गोल घूमते हुए क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएगी ना तो ऐसा कर्व पाथ फॉलो करेगी इस तरफ से। सेम इसको आप राइट लेफ्ट से भी बोल सकते हैं, यदि मैं इसको ऊपर से देखते रहता ये वाले पोर्शन को मैं राइट ले लेता हूं, इसको लेफ्ट ले लेता हूं, तो मैं बोल सकता कि जब बॉल क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है, एयर सामने से आ रही है, तो बॉल राइट साइड जाएगी, ओके, बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या है, वेलोसिटी के कारण, वेलोसिटी डिफरेंस के कारण प्रेशर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, ओके। तो ये यहां से एक तरीके से हम समझ सकते हैं, तो यहां पे मैं लिख भी सकता हूं बॉल विल मूव डाउनवर्ड कर्व्ड पाथ। इस केस में बॉल कैसा मूव करेगी, डाउनवर्ड कर्व्ड पाथ में मूव करेगी, मतलब वो इस तरफ जाएगी क्योंकि प्रेशर ऊपर ज्यादा हो गया, ओके, ठीक है। एक और केस देखते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। फिर एक बॉल लेता हूं यहां पे मैं, ठीक है, ये बॉल क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब इस बार मैं क्या लेता हूं, एयर का फ्लो पीछे से ले लेता हूं, वैसे तो जनरली यही केस होगा, एयर सामने से आएगी, बट फिर भी हम कंडीशन चेंज करके देखते हैं, एयर इस बार क्या कर रही है, पीछे से चल रही है, हवा तो कहीं से भी चलती है अर्थ में, तो इस बार ये इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। इस बार हवा की रफ्तार बॉल के साथ है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम लाइंस बनाता हूं यहां पे, ठीक है। ये वाले में तो हमने ऊपर वाला देख लिया, अब यहां पे जब आपको समझ में आ गया वेलोसिटी कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है ना, तो अब यहां ज्यादा स्ट्रीम लाइंस बना देंगे पास पास, यहां की स्ट्रीम लाइंस दूर दूर बना देंगे, यही आपको डायग्राम में दिखती है, यहां की स्ट्रीम लाइंस दूर दूर रहती है, यहां पे स्ट्रीम लाइंस पास पास रहती है, क्योंकि हमको समझ में आ गया यहां वेलोसिटी ज्यादा है, स्ट्रीम लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगी, दो स्ट्रीम लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यहां पे वेलोसिटी कम है, स्ट्रीम लाइंस दूर दूर होंगी, दो स्ट्रीम लाइंस के बीच की विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी यहां, ठीक है। तो यही आपको डायग्राम में वहां पे दिखता है, तो आप बना भी सकते हैं या आप ऐसे इक्वेशन से लिख के बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जब एयर पीछे से चल रही है तो अब हम इसकी स्ट्रीम लाइंस बनाते हैं, ये एयर का फ्लो, ठीक है, किस तरफ है एयर का फ्लो, इस तरफ है। सेम मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, इसकी स्पिन से, स्पिन तो मैं देखा नहीं, ठीक है, स्पिन भी एज्यूम कर लेता हूं, स्पिन कैसे होगी, अभी भी क्या कर रही है, वो क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है, पीछे से लेके एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा तो वही मेरे को मिल जाएगा, अभी भी क्या कर रही है, वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है। क्लॉक को देखिए आप, ऐसे क्लॉक ऐसे घूमती तो आप तुरंत ऐसे बता सकते हैं, क्लॉक के अपोजिट कोई चीज घूमती तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ओके। तो ऐसे स्पिन कर रही है एयर का हवा, हवा का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अब मैं यहां पे फिर से एनालिसिस करूंगा, सेक्शन ले लूंगा यहां पे, ये मेरा सेक्शन क्या है, एक्स एक्स,
और ये वाला मेरा सेक्शन क्या हो जाएगा, वाई वाई। ठीक है, पूरा मैग्नस इफेक्ट ही हम पढ़ रहे हैं। तो अब मैं यहां पे देखूं, बॉल ऐसे मूव कर रही है, एयर का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो जब बॉल ऐसे घूम के आएगी तो वाई वाई में बॉल जल्दी हवा को फेंकेगी, ऐसे घूम के आई वाई वाई में जल्दी हवा को फेंकेगी। ठीक है, तो वाई वाई की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिल्कुल। तो यहां पे मैं लिखूंगा वी वाई वाई, वाई वाई की वेलोसिटी ज्यादा होगी वी एक्स एक्स। कैसे, ये ऐसे घूम के आएगी, हवा का डायरेक्शन क्या है, उस तरफ है। तो जब ऐसे घूम के जाएगी तो ये वाली हवा को वो जल्दी आउटवर्ड जल्दी थ्रो करेगी। ठीक है, नीचे का देखता हूं मैं एक्स एक्स का, तो डायरेक्शन हवा का इस तरफ है और बॉल ऐसे घूम रही, अपोजिट घूम रही, तो यहां की हवा को वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, हल्का सा धीरे करने की कोशिश करेगी। इसलिए वी एक्स एक्स की वेलोसिटी कम रहेगी, वी वाई वाई की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अब वेलोसिटी से सीधा रिलेशन किसका है, प्रेशर का है, क्योंकि ये चीजें आप आराम से समझ सकते हैं। किसी को डाउट होता है कि वेलोसिटी और प्रेशर का कैसा रिलेशन है, तो आप जनरली किसी को भी देख सकते हैं, एरोप्लेन को देख सकते हैं। एरोप्लेन का पीछे का पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसा नोजल रहता है, वो नोजल में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर कम होता है। एरोप्लेन के सामने का हिस्सा देखें या आप टर्बाइन्स के सामने का हिस्सा देखें, तो वो ऐसा रहता है, डिफ्यूजर रहता है वो। मतलब वो क्या करता है, वेलोसिटी कम करता है, प्रेशर बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं एरोप्लेन्स में। तो आप पीछे का हिस्सा देखिए, एरोप्लेन का ऐसा नोजल रहता है, रॉकेट के पीछे भी नोजल लगे रहती है, मगर वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल रहती है, मतलब एक प्रकार के वेंचुरी मीटर टाइप दिखती है वो। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी का एकदम बढ़िया रिलेशन, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे नीचे और वाई वाई वाले सेक्शन में क्या है, वेलोसिटी कम है, तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब पी वाई वाई ज्यादा होगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ऐसे मूव कर रही है बॉल, यहां की वेलोसिटी वाई वाई की ज्यादा और यहां की वेलोसिटी कम, तो यहां की वेलोसिटी कम है तो यहां का क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो पी एक्स एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी वाई वाई। ओके, तो क्यों, क्योंकि यहां की वेलोसिटी कम है, जहां की वेलोसिटी कम वहां का प्रेशर ज्यादा, यहां की वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां का प्रेशर कम होगा, तो पी एक्स एक्स में प्रेशर ज्यादा होगा वाई वाई के मुकाबले। तो प्रेशर ज्यादा कहां हुआ, एक्स एक्स में ज्यादा हुआ, तो बॉल किस तरफ टर्न लेगी, बॉल ऐसे जाएगी, मतलब ये बॉल कैसा कर्व पाथ फॉलो करेगी, ऐसा, ऐसा कर्व पाथ फॉलो करेगी, मतलब ये बॉल उस तरफ जाएगी अब। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, और यहां पे एक प्रकार से क्या है, बॉल अब ऊपर की तरफ जा रही है हवा में, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही है। आप देख सकते हैं कि बॉल अब ऊंचाई जा रही है, मतलब जब ऐसा स्पिन करके आप देखेंगे और एयर का फ्लो पीछे तरफ रहा ना, तो बॉल ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, तो यहां पे क्या हो रही है, लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही है। ये तो ये एक अच्छी कंडीशन है देखने की, लिफ्ट फोर्स इज जनरेटेड। क्यों लिफ्ट फोर्स जनरेट हुई है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है, यहां वाला दबाव डालेगा बॉल पे और यहां का प्रेशर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो बॉल क्या होगी, ऐसे मूव करेगी। ओके, तो मेरे को लगता है अब मैग्नस इफेक्ट आप एकदम आसानी से समझा सकते हैं किसी को भी, कि ऐसा क्यों होता है, बस रोटेशन देखना है, कहां बॉल लेके जा रही है हवा को, कहां से वो क्या कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। तो ये था क्या हमारा, मैग्नस इफेक्ट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम पूरा क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट। और फिर उसके बाद आप स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे ज्यादा स्ट्रीमलाइंस बना दीजिए पास पास, और जहां पे वेलोसिटी कम है वहां दूर दूर स्ट्रीमलाइंस बना दीजिए। ये तो नॉर्मल कंसेप्ट होता है, तो आप डायग्राम बना सकते हैं। ओके, तो हमें समझ में आया मैग्नस इफेक्ट। अब हम बात करते हैं एरोप्लेन के, कि एरोप्लेन में भी सेम यही इफेक्ट होता है, बस वहां पे हम उसकी बॉडी ऐसा बनाते हैं कि हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, जब हवा उसके पंखों में लगे तो ऐसा कंडीशन आ जाए बॉल वाला, नीचे प्रेशर कम हो जाए, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाए, ऊपर प्रेशर कम हो जाए, तो उसको लिफ्ट फोर्स मिले। तो वही चीज हम देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एरोफॉइल। एरोफॉइल एक ऐसी बॉडी होती है जो लिफ्ट फोर्स जनरेट करके देगी आपको, जब उसको मैं फ्लूइड में मूव कराऊंगा एरोफॉइल्स को, तो वो क्या करेगी, उसमें लिफ्ट फोर्स, फ्लूइड उसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा यदि वो तेजी से फ्लूइड में सामने की तरफ जा रही है। ठीक है, और एरोफॉइल, या हम क्या पढ़ेंगे अभी, लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग। एयरक्राफ्ट की जो विंग्स होती है वो एरोफॉइल सेक्शन की रहती है। ठीक है, तो हम एयरक्राफ्ट विंग की लिफ्ट के बारे में देखेंगे कैसे होती है, जिसको हम एरोफॉइल बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एरोफॉइल इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, एक प्रकार का सॉलिड ऑब्जेक्ट रहता है, प्लेन की विंग्स देखें आप, सॉलिड ऑब्जेक्ट ही रहता है, शेप्ड, ऐसा शेप रहता है वो टू प्रोवाइड एन अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट, उसका शेप ऐसा रहता है कि वो अपवर्ड डायनामिक लिफ्ट प्रोवाइड करे, एज इट मूव्स हॉरिजॉन्टली थ्रू एयर,
एज इट मूव हॉरिजॉन्टली थ्रू द एयर, मतलब प्लेन कैसे मूव करता है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है और उसको लिफ्ट भी मिलते रहे। तो ऐसा उसको क्या करते हैं हम, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रहता है जिसको हम शेप्ड करते हैं, ऐसा डिजाइन करते हैं उसको एरोडायनामिक्स की स्टडी करके। सेकेंड पॉइंट, दिस अपवर्ड फोर्स, जो ये अपवर्ड फोर्स मिलती है मेक्स एन एरोप्लेन फ्लाई। यही अपवर्ड फोर्स के कारण क्या होता है, प्लेन उड़ पाता है, क्योंकि वो पीछे से तो बहुत ताकत लगाता है, पीछे से वो बहुत जबरदस्त थ्रस्ट लगाते हुए आगे बढ़ता है, बट उसका शेप ऐसा नहीं रहेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। यदि उसको लिफ्ट फोर्स नहीं मिलेगी तो वो पीछे से कितना भी फोर्स लगा ले वो ग्लाइड नहीं कर पाएगा हवा में, ठीक है। तो उसका शेप भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन लुक्स लाइक एन एरोफॉइल। तो जो उसके विंग्स रहते हैं वो कैसे दिखते हैं, एरोफॉइल जैसे दिखते हैं, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका एरिया आदि आप देखेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एन एरोप्लेन मूव्स थ्रू एयर, जब एरोप्लेन एयर में मूव करेगा, द एयर इन द रीजन अबव द विंग्स मूव्स फास्टर देन द एयर बिलो एज सीन फ्रॉम द स्ट्रीम लाइन्स अबव द विंग्स। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो क्या बोल रहा है, जो एयर एयर जो रहती है विंग्स के ऊपर क्या होती है, जैसे प्लेन उड़ रहा है तो प्लेन के ऊपर जो पोर्शन हमको नहीं दिखता, प्लेन हमको नीचे से दिखता है, तो विंग्स जो रहते हैं विंग्स के ऊपर हवा जल्दी निकलती है, और जो नीचे का पोर्शन रहता है वहां पे एयर की वेलोसिटी कम रहती है। ऐसा क्यों, जहां पे वेलोसिटी कम है वहां पे क्या होगा, प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, और जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या होगा, हमारा कम होगा। तो विंग्स के ऊपर से हवा तेजी से निकल रही, तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे हवा धीरे से निकल रही, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा, इसी से लिफ्ट फोर्स मिलती, जैसे बॉल के केस में हमने देखा। सेकेंड पॉइंट, द डिफरेंस इन द स्पीड इन द टू रीजन, दो रीजन मतलब विंग्स के ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन में प्रेशर के डिफरेंस के कारण, द लोअर प्रेशर रीजन मेक्स द स्पीड के डिफरेंस के कारण क्या होता है, लोअर प्रेशर अबव एंड हाई प्रेशर बिलो द विंग्स। तो जो एयर के जो स्पीड के जो डिफरेंस रहता है उसके कारण क्या होता है, विंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और विंग्स के नीचे क्या रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, विच प्रोड्यूसेस ए डायनामिक लिफ्ट, जो क्या करता है, डायनामिक लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, डायग्राम देखते हैं हम इसका, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एरोफॉइल है, ये ऐसा ही क्या रहते हैं, प्लेन के विंग्स ऐसे ही रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्लेन का विंग्स को तो मैं देखा हूं वो ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा तो नहीं रहता है, बट आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो उसको इतना मोटा नहीं बनाते, भले वो पतला सा रहता है मगर उसका शेप ऐसी ही रहता है बिल्कुल, ठीक है, वो ऐसा ही रहता है। नीचे से उसका पोर्शन कैसा रहता है, सेम ऐसा रहता है। और यदि आप एकदम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जब एरोफॉइल का देखेंगे तो वो कैसा रहता है, ऐसा बॉडी रहता है, ऐसा, मतलब यहां पे वो क्या करता है, ऊपर की हवा जल्दी निकलती है और नीचे से हवा क्या निकलती है, धीरे से निकलती है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन रहता है ना, इस पोर्शन में वो हवा को रोकता है, तो एक एरोफॉइल का सेक्शन ऐसा रहता है, जैसा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाया हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एरोफॉइल है, विंग्स भी ऐसे ही रहते हैं, बस उसको और एडवांसली डिजाइन करते हैं तो हमको एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखता, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका फंडा देखते हैं, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ऐसा डिजाइन करते हैं ना कि यहां से स्पीड एयर की स्पीड जल्दी हो, मतलब यहां से स्पीड ज्यादा रहे एयर की, तो ऊपर में क्या लिखा है, हाई स्पीड, और जब स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नीचे में क्या है, एयर की स्पीड लो रहती है, नीचे से स्पीड क्या रहती है, हमारी लो रहती है, तो जहां पे स्पीड कम है वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। तो यही फंडा हम यूज करते हैं, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो क्या करेगा, वो ढकेलेगा उसको ऊपर की तरफ, लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी प्रेशर डिफरेंस के कारण। ये क्या है, हमारा एरोफॉइल का डायग्राम, ये जो एरो का डायरेक्शन है ये शो कर रहा है कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और हवा इसके ऊपर ऐसे आ रही है, ऊपर से हवा जा रही है तो जल्दी से निकल जा रही है, नीचे से हवा जा रही है तो धीरे धीरे करके निकल रही है। तो ये हमारा एरोफॉइल का डायग्राम, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, ये भी क्या है, एक प्रकार का बर्नौलीज इक्वेशन का ही है, कि कभी कभी क्या होता है, जब तूफान आता है तो घर के बहुत सारे जो हर्ट्स रहते हैं, नॉर्मल घरों की तो नहीं, नॉर्मल घर में भी ऐसा हो सकता है, मगर जो हर्ट्स रहते हैं, झोपड़ियां रहती है, उनका क्या होता है, जब तूफान आता है तो छत उड़ जाता है सीधा, घर को कुछ नहीं होता मगर छत उड़ जाता है सीधा, ठीक है, मतलब बराबर घर वैसे ही रखा रहेगा और छत उड़ के चल देगा, सिर्फ छत। तो ऐसा क्यों होता है, जब तूफान होता है तो ऊपर में हवा, छत के ऊपर हवा बहुत तेजी से निकलती है, तो जब हवा ऊपर में बहुत तेजी से निकलती तो ऊपर हो जाता है प्रेशर कम, घर के अंदर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहता है, जब ऊपर प्रेशर कम हो गया तो उसके कारण क्या होता है, जब एक टाइम ऐसा आता है कि ऊपर प्रेशर इतना कम हो जाता है, नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूफ पे इतना प्रेशर लगाने लग जाता है कि वो ग्रेविटी को ओवरकेम कर लेता है, और जैसी वो ग्रेविटी की फोर्सेस को ओवरकेम किया, घर को बिना कुछ हुए क्या हो जाएगा, छत उड़ जाएगा सीधा तूफान में, ऐसा होता है। तो उसका कारण क्या है, तो रूफ कैन बी ब्लोन ऑफ विदाउट डैमेजिंग द हाउस,
मतलब रूफ घर का छत उड़ जाएगा बिना घर को डैमेज किए, ऐसा क्यों होता है देखते हैं। ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म जब आंधी चलती है रूफ ऑफ सम हट्स आर ब्लोन ऑफ, जब आंधी चलती है तो कुछ हट मतलब झोपड़ियां बोल सकते हैं हम उनको, ठीक है, नॉर्मल घरों में ज्यादा ऐसा नहीं होता है बट नॉर्मल जगह पे होता है, तो क्या होता है जो घर की जो छत रहती है वो सीधा उड़ जाती है, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग दी आउट अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस, ठीक है, तो द हाई विंड ब्लोइंग ओवर द रूफ क्रिएट्स ए लो प्रेशर, तो जो हवा रूफ के ऊपर चलते रहती है वो क्या करती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा रहती है, हाई हाई विंड ब्लोइंग स्पीड रहती है, स्पीड ऊपर की ज्यादा रहती है, द प्रेशर बिलो द रूफ घर के अंदर की बात करें इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो घर के अंदर का प्रेशर रहता है वो तो वातावरण के प्रेशर जितना रहता है, विच इज लार्जर, जो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ऊपर में हवा तेजी से निकल गई तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर प्रोवाइड्स ए वर्टिकल लिफ्ट, तो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसके कारण क्या होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ दबाव डालेगा और वर्टिकल लिफ्ट जनरेट होगी टू दी रूफ ऑफ हर्ट, जो हर्ट रहेगी उसकी रूफ में। लास्ट पॉइंट, व्हेन लिफ्ट इज सफिशियंट, जब लिफ्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, अंदर बहुत ज्यादा हो गया, छत के ऊपर बहुत कम हो गया, व्हेन लिफ्ट इज सफिशियंट टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल, जब लिफ्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो घर की छत है वो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर देगी, ऑन द रूफ ऑफ द हर्ट इज ब्लोन ऑफ, तो जो घर की जो छत रहेगी वो क्या रहेगी, सीधा उड़ जाएगी, विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू दी वॉल्स ऑफ दी हर्ट, बिना क्या, वॉल्स की जो हर्ट की जो दीवारें हैं उसको बिना डैमेज किए क्या हो जाएगा, सीधा छत उड़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जनरली आप प्रिंसिपल में भी देखें तो ऐसा हमें दिख ही रहेगी, ऐसा हो गई, लिफ्ट फोर्स तो जनरेट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, ये किसका है, एरोप्लेन्स के विंग्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिफ्ट फोर्स जो जनरेट हो रही है उससे, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, क्या बोलता है, आ फुल्ली लोडेड मतलब फुल भरा हुआ है, अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट, एक बोइंग क्या है, हमारी कंपनी है जिसके आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट देखते होंगे, बोइंग 747 ये सब, ठीक है, तो एक फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट जिसका मास है, हैज ए मास ऑफ 3.3 × 10⁵ kg, उसका मास कितना है, 3.3 × 10⁵ kg है, इट्स टोटल विंग्स एरिया इज 500 m², उसके जो विंग्स है उसका टोटल एरिया कितना है, 500 m² है, इट इज इन लेवल फ्लाइट विद द स्पीड ऑफ 960 km/h, लेवल फ्लाइट में मतलब एकदम ऐसे नॉर्मली उड़ रहा है वो, कितने स्पीड से उड़ रहा है वो, 960 km/h की स्पीड से उड़ रहा है, जब लेवल फ्लाइट में प्लेन उड़ता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेन का वेट है वो और जो उसको लिफ्ट फोर्स मिल रही है ना वो दोनों बराबर है, इसलिए वो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, लेवल फ्लाइट में उड़ेगा मतलब वेट और लिफ्ट फोर्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्या निकालने बोलता है हमें देखते हैं, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स, प्रेशर डिफरेंस निकालो लोअर और अपर सरफेस में विंग्स के, कितना प्रेशर डिफरेंस है अपर ऊपर विंग्स के ऊपर और विंग्स के नीचे, सेकंड पॉइंट एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू द लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स, हमें पता है कि विंग्स के ऊपर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, नीचे की वेलोसिटी कम होगी, तो कितनी फ्रैक्शनल बताएं कि फ्रैक्शन में बताएं कि कितनी स्पीड ज्यादा है ऊपर की नीचे के मुकाबले, ठीक है, रेशियो में हमें बताना है, मतलब हमें परसेंटेज में बताना है कि कितनी ऊपर स्पीड ज्यादा है नीचे के मुकाबले, डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2 kg/m³, हमें क्या दिया है, एयर की डेंसिटी दी है, ठीक है, तो फर्स्ट हमें निकालना है कि कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं और गिवन वैल्यूज पहले लिखते हैं, क्या क्या गिवन है, हम क्या क्या दिया हुआ है, एक तो लेवल फ्लाइट, लेवल फ्लाइट बोला है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो प्लेन का वेट है और जो लिफ्ट फोर्स है वो दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा है, लेवल फ्लाइट बोला है हमको, ठीक है, मास दिया है हमें प्लेन का, कितना दिया है हमें मास उसका, 3.3 × 10⁵ kg हमें गिवन है, ओके, फिर उसके बाद
एरिया दिया है हमें किसका, विंग्स का, और टोटल एरिया दिया है मतलब दोनों विंग्स का एरिया दिया है, कितना दिया है हमें 500 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमें देखते हैं वेलोसिटी दी है किसकी, एयरक्राफ्ट की, कितना 960 किलोमीटर पर आवर। हम तो सब चीज मीटर पर सेकंड में करते हैं तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट हमें निकालना है डेल पी, मतलब प्रेशर डिफरेंस निकालना है विंग्स के ऊपर और विंग्स के नीचे। तो जब लेवल फ्लाइट की कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्लेन का वेट होगा वो किसके बराबर होगा, जो लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही है। अब लिफ्ट फोर्स किसके कारण जनरेट होगी, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही जनरेट होगी। जैसे हमारा क्या रहता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वेट है हमें फोर्स के साथ इक्वेट करना है, तो ये फोर्स किसके कारण जनरेट हो रही है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो लिफ्ट फोर्स कितनी होगी, प्रेशर इनटू एरिया होगा, जितना प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है और एरिया का मल्टीप्लिकेशन, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल पी इंटू ए। ये क्या है हमारा, ये एक प्रकार की क्या है, लिफ्ट फोर्स है, और वही वेट के बराबर होगी, तभी प्लेन क्या रहेगा, एकदम लेवल फ्लाइट में रहेगा, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, एकदम ऐसे उड़ रहा है। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं, तो W कितना होता है हमारा, वेट होता है, जिसको हम लिखते हैं एम जी इक्वल टू डेल पी इंटू एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, मास हमें दिया है कितना, हमें क्या निकालना है, डेल पी निकालना है, तो हम यहां से डेल पी निकाल सकते हैं, डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाय ए, एम जी बाय ए। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना दिया है, 3.3 × 10⁵, जी कितना हो जाएगा हमारा 9.8, एरिया कितना दिया है हमें, 500 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया है। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा प्रेशर, डेल पी आ जाएगा हमारा, इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो डेल पी आएगा हमारा 6468, क्या यूनिट्स में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको बोल सकते हैं पास्कल। और अच्छे से लिखे तो आप लिख सकते हैं 6.5, ठीक है, इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं उसको। ओके, बराबर बोल सकते हैं हम इसको, 6.5 × 10³ के आगे लिया हूं तो 3 × 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसा हम क्या लिए उसको, बराबर राउंड ऑफ कर लिए एक प्रकार से मान सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, सेकेंड देखते हैं, हमें फ्रैक्शनल स्पीड इंक्रीज निकालना है, कि ऊपर हमें पता है विंग्स के ऊपर स्पीड ज्यादा है, विंग्स के नीचे स्पीड कम रहती है, हमने सेक्शन देखा तभी लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी, तो वो कितनी ज्यादा है ऊपर की स्पीड विंग्स के ऊपर की, ये चीज क्या करनी है हमें, कैलकुलेट करनी है। ओके, ठीक है, तो ये वाला हो गया है। अब हम क्या करते हैं, पूरा गिवन डाटा भी आपके पास है, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको रब कर देते हैं पूरा और फिर से लिखते हैं। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ चीजें बर्नौली से इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, तो कुछ चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, कंसिडर करते हैं हम। वी वन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर किसके, ये वी वन को लेते हैं हम विंग्स के ऊपर की, नीचे ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन लोअर सरफेस, लोअर सरफेस ऑफ विंग्स, ठीक है। वी टू देखते हैं, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस ऑफ विंग्स, ये जरूरी है लिखना, क्योंकि जब हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कहां की वेलोसिटी कौन सी है, वी वन कौन सा है, वी टू कौन सा है। तो वी वन क्या हुआ हमारी स्पीड के विंग्स के नीचे की वेलोसिटी, वी टू क्या हुआ हमारे विंग्स के ऊपर की वेलोसिटी। ओके, अब हम पी वन देखते हैं, तो जब वी वन है तो पी वन क्या रहेगा हमारा, नीचे का है तो पी वन हमारा रहेगा लोअर प्रेशर, लोअर सरफेस प्रेशर, लोअर सरफेस प्रेशर। कौन से सरफेस की हम बात कर रहे हैं, विंग्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पी वन तो ज्यादा होगा हमें पता है, पी टू क्या होगा अपर, अपर सरफेस प्रेशर,
और हमें पता है P2 कम होगा P1 ज्यादा होगा क्योंकि तभी तो उसको लिफ्ट फोर्स मिल रही है। ओके तो हमने ये चीजें कंसीडर कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहां से बर्नौली इक्वेशन अपनी अप्लाई करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी हमारी, विंग्स के नीचे और विंग्स के ऊपर लगा रहे, तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 यहां पे हमें ले सकते हैं, या हम सेम जगह सेम हॉरिजॉन्टल पे मान ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। ठीक है, फिर भी ले लेते हैं P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ओके विजिबल है बिल्कुल, ठीक है तो सेम लेवल है, तो हम क्या ले लेंगे Z1 और Z2 को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि जो विंग्स रहती है उसकी ज्यादा हाइट नहीं रहती है, लगभग नेग्लिजिबल होगा दोनों हाइट का डिफरेंस, इसलिए हम क्या कर दिए उसको कैंसिल आउट कर दिए क्योंकि हमें इसके लिए ज्यादा डाटा भी नहीं है और ज्यादा चौड़ाई तो रहेगी नहीं। ओके तो अब हम क्या करते हैं, P1 को यहीं रखते हैं क्योंकि P1 बड़ा रहेगा हमारा, P1 बाई रो जी, P2 को यहां ले आते हैं माइनस P2 बाई रो जी, यहां पे क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर है यहां पे V2 स्क्वायर बाई 2G और ये वाला माइनस में चले जाएगा, तो माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ओके ये हो गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ठीक है तो और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों क्या है, दोनों के नीचे रोजी रोजी सबके साथ है, मतलब एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, P1 माइनस P2 को मैं लिख सकता हूं डेल पी, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि रोजी रोजी दोनों के साथ है, और ये रोजी को हम क्या देंगे, ये दोनों का वहां पे दे देंगे। ओके तो ये रोजी आ गया इधर, ये आ गया रोजी, यहां पे क्या रहेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और इसके नीचे क्या रहेगा 2G, तो GG क्या होगा हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ये G और ये G हमारा कैंसल आउट हो गया। ओके अब हम क्या करेंगे, यहां पे V1 और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की अब हम वैल्यू देखेंगे। ओके तो मैं इधर पोर्शन रब करता हूं, आप कभी भी पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं बिल्कुल, ये वाला पोर्शन करते हैं रब। ठीक है अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको हम ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल पी इक्वल टू डेल पी इक्वल टू, बाकी सारी टर्म सेम रहेगी, रो है और यहां पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, V2 प्लस V1 A प्लस B V2 माइनस P1 A प्लस B A माइनस B, लिख सकता हूं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को बिल्कुल, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ओके ये हो गया, अब हम यहां से क्या करेंगे, सिर्फ माइनस वाली टर्म को रखते हैं, बाकी को इधर ले लेते हैं, सिर्फ V2 माइनस V1 को ही यहां पे इसी को रखते हैं, इसी से हमारा सीधा फ्रैक्शनल चेंज निकलेगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल पी, ये 2 चले जाएगा डेल पी के पास, तो डेल पी इंटू 2 डिवाइड बाय नीचे में रो आ जाएगा, सब इंटू में कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी कहीं मिले जा सकते हैं, नीचे आ जाएगा ये V2 प्लस V1। अब जो हमें क्वेश्चन में स्पीड दी गई थी 960 किलोमीटर पर आवर, वो एक प्रकार की एवरेज स्पीड दिया गया है, वो तो टोटल प्लेन की रफ्तार बता रहा है, वो ये तो नहीं बता रहा कि विंग्स के ऊपर इतनी स्पीड है, विंग्स के नीचे इतनी स्पीड है, तो जो क्वेश्चन में हमें स्पीड दी है वो एवरेज स्पीड दी है, मतलब वो जो एवरेज स्पीड है वो आपको यहां पे रिलेशन में दिख रही होगी V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है ये उल्टी रखी गई है यहां पे एवरेज स्पीड। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, और वो किस में दी थी, किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं हम, जो क्वेश्चन में हमें दिए वो क्या दिए, नाउ एवरेज स्पीड, क्योंकि वो तो पूरे प्लेन की स्पीड दी है, वो ऊपर नीचे विंग्स की स्पीड नहीं दी है, वो एवरेज स्पीड दी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा V AV एवरेज, और वो कितना दिया है हमें V1 प्लस V2 बाई 2 ही होगी जब वो एवरेज है, और वो कितना दिया है हमें 960 किलोमीटर पर आवर दिया है, 960 दिया है क्वेश्चन में। ओके तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 960 इंटू किलोमीटर को मैं मीटर में करने के लिए क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है और आवर को सेकंड में करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दूंगा, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा वी एवरेज कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा वी एवरेज आ जाएगा 266.66
0.66, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूं, 267 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं। ओके, तो ये मिल गया हमें। तो यहां पे क्या मिला है हमें, ये वाला v1 प्लस v2 की वैल्यू, और वो क्या आएगी, उल्टी रखी रहेगी यहां पे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे फ्रैक्शनल निकालना है तो एक और चीज करते हैं, यहां पे ना v एवरेज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी v एवरेज से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे तो ऑलरेडी है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, देखते हैं कैसा बनेगा, v2 माइनस v1 और यहां पे क्या आ जाएगा, v एवरेज avg, यही avg एवरेज, ठीक है, इक्वल टू, यहां पे तो है ही एक ऑलरेडी वैल्यू, एक और से इसको डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डेल p इनटू 2 डिवाइड बाय रो, और ये क्या हो जाएगा, v एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू थी, एक और से मैं उसको डिवाइड कर दिया, इसके नीचे आ गया, अब स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब मैं इस पूरी वैल्यू को क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं, यही वाला क्या है मेरा, यही वाली जो टर्म है, यही मेरे को बता रही है क्या, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड बता रही है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड, जो चीज हमें क्वेश्चन में निकालना है वो क्या बता रही है, यही टर्म मेरे को बता रही है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो चलिए यहां पे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या वैल्यू दी है हमें, डेल पी हमने निकाल लिया था, कितना, 6.5 × 10³। ओके, इंटू 2 है यहाँ पे, नीचे क्या आया हमारा, रो, एयर की डेंसिटी दी है हमें 1.2 kg/m³। ओके, इंटू बी एवरेज दी है, वो कितना, 267 का स्क्वायर, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 0.075 आएगा, ठीक है, इसको मैं इक्विवेलेंट लगभग राउंड ऑफ करके ले सकता हूं, 0.08, ठीक है, तो कितना आ रहा है मेरा, 8% आ रहा है फ्रैक्शनल। ओके, तो अब मैं ये वाला पोर्शन रब करता हूं और हम लास्ट में अपना वर्ड्स में आंसर लिखते हैं, क्या, स्पीड ऑफ द एयर अबव विंग्स नीड्स टू बी 8%, इसको मैं 100 से डिवाइड, मतलब 100 से इनटू करूंगा तो 8% हो जाएगा, नीड्स टू बी 8% फास्टर देन, क्यों, ऊपर की स्पीड तो हमें पता है ज्यादा होनी चाहिए, तभी नीचे की स्पीड कम होगी और नीचे प्रेशर ज्यादा मिलेगा हमें, नीड्स टू बी 8% हायर, फास्टर बोल देना, ठीक है, हायर लिख लेते हैं, हायर देन लोअर सरफेस, ठीक है, और यही चीज हमें निकालने बोला था, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये 0.08 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8% आ जाएगा, तो जो ऊपर की, जो विंग्स के ऊपर से जो हवा जा रही है लिफ्ट जनरेट करने के लिए, जो प्लेन 960 km/h की स्पीड से उड़ रहा है, लिफ्ट जनरेट करने के लिए जो विंग्स के ऊपर से हवा निकल रही है वो 8% तेजी से निकलनी चाहिए नीचे के मुकाबले, तभी वो क्या होगी, पूरी वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट, इसी के साथ हमारा होता है एप्लीकेशन वाला पोर्शन कंप्लीट, तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जो डायनेमिक्स के आखिरी वाले टॉपिक है उनके ऊपर स्टडी करेंगे, तो अभी तक के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू। Thank you.